डियर एक्स, कैसे हो? सवाल बहुत ही अटपटा है, अजीब भी है, क्योंकि मुझे और तुम्हें दोनों को इसका जवाब पता है, पर ना ही तुम बोल सकते हो और ना ही मैं। आज तुम्हारी शादी का कार्ड मिला, खुशी हुई देखकर, जानकर कि तुम अब मुझे भुलाकर जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो। और सच कहूँ तो बुरा भी बहुत लग रहा है तुम्हारे उस कार्ड को देखकर। कारण? कारण नहीं पता, पर बुरा लग रहा है। लगना नहीं चाहिए, पर फिर भी लग रहा है। शायद इसलिए क्योंकि ऐसी कभी कल्पना ही नहीं की कि जिस इंसान के साथ ये नहीं आगे के 7 जन रहने का वादा लिया है, वो इंसान किसी और का हो जाएगा। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, और हो भी तो क्यों, तुमने तो अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई थी। मैं ही एक वो थी जिसने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था बीच सफर में। अब तक तो न जाने तुमने मुझे अपने दोस्तों और शुभचिंतकों के सलाह के अनुसार बेवफा, खुदगर्ज, मतलबी, फरेबी, न जाने किन किन तमगों से सम्मानित कर चुके होंगे। पर एक बात का यकीन है कि आज भी तुम्हारे दिल के किसी न किसी कोने में मेरे लिए प्यार जिंदा है, इसलिए ये पत्र लिख रही हूँ। आशा है कि जिन बातों को चाहकर भी तुम्हें नहीं बोल सकी, उन सभी बातों को समझ सकोगे और मुझे माफ कर पाओगे। उस दिन जब हमने घर से भागने का फैसला लिया और रात में पापा को आखिरी बार देखने गई, तब वो एल्बम को सीने से चिपकाए सो रहे थे, जिसमें सिर्फ मेरी ही तस्वीर थी, और उनके चेहरे से साफ जाहिर था कि वो बहुत रोए हैं। फिर अचानक ही मेरे कदम मानो जम से गए, मुझे लकवासा मार गया। मैं चाहकर भी हिल नहीं पा रही थी और मेरी पूरी जिंदगी मेरे आंखों के सामने नाचने लगी थी। तुम्हें तो मैं सिर्फ 1 साल से जानती हूँ, पर उन्हें जब किसी को नहीं जानती थी, तब से मैं उन्हें जानती हूँ। इनफैक्ट वो मुझे मेरे जन्म लेने से पहले से ही प्यार करने लगे थे। अब तुम ही बताओ, 1 साल के प्यार के लिए मैं जिंदगी भर की कमाई कैसे लुटा सकती थी? मैं कैसे उस परफेक्ट फोटो एल्बम को बिगड़ने देती जिसे एक परफेक्ट इंसान ने बनाया था? कैसे मैं उस इंसान को दुखी करके, उस इंसान को बेआबरू करके तुम्हारे साथ भाग जाती, जिस इंसान ने जिंदगी सिर्फ मेरे लिए ही जी हो? हाँ, मानती हूँ कि तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर शायद इतना भी नहीं जितना पापा मुझसे करते हैं। अब तुम ही बताओ, कैसे मैं पापा को छोड़कर तुम्हारे साथ आ जाती? ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें लिखने बैठूं तो शायद एक किताब बन जाए। बस इतना कहना चाहती हूँ कि ये खत मैंने अपनी सफाई में नहीं लिखा है, मैं बस तुम्हें बताना चाहती थी ताकि तुम मुझ पर और बाकी लड़कियों पर भरोसा कर सको। ये बात अभी शायद तुम ना समझ सको, पर जिस दिन तुम यही सब अपनी बेटी के लिए सोचोगे, तब समझ सकोगे कि मैंने क्यों ऐसा फैसला लिया था। बस एक छोटी सी बात है यार, मैं उन्हें छोड़ देती तो मुझे दुख होता, पर उन्हें, उन पर क्या बीतती, वो टूट जाते, उनका आत्मसम्मान, उनका अभिमान टूट जाता, क्योंकि मैं सिर्फ उनकी बेटी ही नहीं, उनका गुरूर, आत्मसम्मान, घमंड भी हूँ। और जानते हो, इंसान सांसों के बिना तो जिंदा रह सकता है, पर अपने गुरूर और आत्मसम्मान के बिना नहीं, वो मर जाते हैं। मैं उन्हें मारकर अपनी खुशियाँ नहीं चाहती, बस इतनी सी कहानी थी जो तुम्हें बतानी थी, ताकि तुम उसे भी सम्मान दे सको जो तुम्हारी बेटी की माँ बनेगी, जो तुम्हारे गुरूर को जन्म देगी, जो खुद किसी का घमंड होगी और अब तुम्हें संभालेगी। भूल जाना मुझे और अपनी जिंदगी में खुश रहना।
तुम्हारी ना हो पाने वाली।